एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू एन अकेडमी कैसे हैं सब बच्चे आई होप एवरी वन इज़ डूइंग वेल फाइन एंड बिल्कुल मस्त हैं अपनी बेस्ट स्पिरिट्स में हैं एंड रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए आज येस गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन सबको सुनाई दे रहा है आवाज़ भी आ रही है चलिए वेरी गुड तो आज बेटा जी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक तरीके से अपने जेनेटिक्स की जेनेटिक्स की शुरुआत मैंने क्यों बोला है क्योंकि ये समझ नहीं आया तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन समझ नहीं आएगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का स्टार्टिंग वाला पार्ट समझ नहीं आएगा तो ये बेस बनाता है आपकी बायोलॉजी का ये बेस बनाता है सबसे बड़े यूनिट का जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जेनेटिक्स में दो बड़े बड़े चैप्टर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए इनफैक्ट बायो को सेल को अच्छे समझने के लिए हमें सेल साइकिल एंड सेल डिविजन बेटा जी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये इंपॉर्टेंट है एप्सल्यूटली तो इसीलिए मैंने जेनेटिक्स की शुरुआत प्रिंसिपल से ना करके इस वाले चैप्टर से किए दो दिन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए लेंगे आज माइटोसिस करेंगे कल करेंगे एंड देन फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जेनेटिक्स तो सब बच्चे आ गए हैं तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस आते ही मार्क कर दें जिसने नहीं किया तक अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसको दबाना है सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी जैसा कि आप जानते हैं कि अगले हफ्ते एक सरप्राइज नामक एक क्रैश कोर्स बहुत अच्छा जिसमें प्रॉपर टेस्ट ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी टेस्ट होने वाले हैं होने वाले हैं एंड आपका सिलेबस बेस्ट फैकल्टी के द्वारा टाइमली पूरा होने वाला है ये सब चीजें होने वाली हैं अब उस सब्सक्रिप्शन के लिए आज बेस्ट मौका चल रहा है क्योंकि बेटा अब है इस समय आपको मिल रहा है अब टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑन नीट की सब्सक्रिप्शन टाइप वो सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की यानी कि इस साल की है अगर आप क्लास इलेवेंथ में है अभी और अगले साल आपको नीट का एग्जाम देना है तो आपके लिए तो बेस्ट समय है क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 12 मंथ प्लस सिक्स मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एंड इसके साथ भी फोर प्लस वन मंथ का एक्सटेंशन मिलता है ये सारी चीजें एंड अप फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ सिर्फ दो दिन के लिए वैलिड और है ठीक है छह को ये ऑफर बंद हो जाएगा तो आपको कोड क्या लगाना है सी एंड पहुंच जाना है प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आप पहुंचेंगे जितने भी बैचेस होंगे आने वाला जो मैंने आपको क्रैश कोर्स बताया है और भी बहुत सारे बैचेस हैं ये सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे नीचे लिंक दिया हुआ है बेटा डिस्क्रिप्शन में बस कोड कोड याद रखना रेफरल दैट इज सीप लाइफ जिससे आपको ये ऑफर भी वैलिड हो जाए और आप मेरे कोर्सेज भी वहां पर लाइव देख पाए ठीक है जी चलिए आ जाइए बेटा शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन की कहानी अगर मैं इस चैप्टर के बारे में यहाँ पर ध्यान दू ध्यान दू

सबको समझ आ गया है दिस चैप्टर इज वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोरिंग एंड द सबसे छोटा चैप्टर ऑफ बायोलॉजी तो इसको आज हम शुरुआत करने वाले हैं ठीक है जी सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल देखो ध्यान से सुनना पूरी क्लास को बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट समझ आएगा चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ हो आप हर चीज मेरी क्लास से सीख कर निकलेंगे आप हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे हर एंड हर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बस मुझे क्या चाहिए अगले एक घंटा आपका फोकस चाहिए फोकस रहेंगे तो डेफिनेटली बेटा जी क्रैक करके निकल जाएंगे ठीक है थर्टी टू के थर्टी टू चैप्टर्स हमने पहले भी मल्टीपल टाइम्स अच्छे से किए हैं इस बारे भी अच्छे से करने वाले हैं जैसे हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्लास होती है वैसे इसकी प्रैक्टिस क्लास से मैंने पिन

जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पर आ जाएंगे जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पर आ जाएंगे आपने साइकिल का पहिया देखा है वो जहां से शुरू होता है वहीं पर आ जाता है तो यहां पर भी सेल साइकिल में हम कुछ फेजेस देखेंगे जहां से शुरू होंगे फिर 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 वहां 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 आ आ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे अब सेल अपनी पूरी जिंदगी में इस साइक्लिक फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजरता है क्यों गुजरता है भाई कोई भी चीज हो कोई भी लिविंग चीज हो बेटा उसको अल्टीमेटली क्या करना है ग्रो करना है मान लीजिए बेटा जी ये कोई सेल है ये क्या है सेल है सेल को अल्टीमेटली क्या करना है ग्रो करना है हर आदमी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मैं बड़ा हूं तो सेल भी चाहता है मैं बड़ा हूं अगर बेटा जी सेल ग्रो करेगा तो सेल का साइज बढ़ जाएगा पहले सेल इतना था अब ये सेल इतना हो जाएगा अब सेल का साइज बढ़ने का क्या मतलब है इसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है एंड साथ में इसके अंदर का न्यूक्लियर मटीरियल भी बढ़ता है दोनों चीजें बढ़ती हैं लेकिन और और ग्रो करते हैं चलो और ग्रो करते हैं और बड़ा कर लिया मैंने सेल ठीक है साइटोप्लाज्म और बड़ा एंड न्यूक्लियर मटेरियल भी बड़ा बढ़ते दोनों हैं लेकिन मुझे थोड़ा गेस करके बताओ ज्यादा ज्यादा कौन सी चीज बढ़ बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है है क्या या फिर न्यूक्लियर पोर्शन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ज्यादा कौन सा बढ़ रहा है आप यहाँ पर अंदाजा लगा के बता सकते हैं यस साइटोप्लाज्म का पोर्शन ज्यादा बढ़ रहा है या फिर न्यूक्लियर पोर्शन ज्यादा बन रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यार जब भी कोई चीज ग्रो करती है तो उसका साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ज्यादा तेजी से ग्रो करता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियो न्यूक्लियस का पोर्शन है है वो धीरे ग्रो कर रहा एंड साइटोप्लाज्म का जो पोर्शन है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है यानी कि मैं यहां पर लाइन लिख सकती हूं कि जितनी स्पीड से जितनी स्पीड से न्यूक्लियर मटेरियल ग्रो कर रहा है उससे डबल स्पीड से आपका साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ले, ले लेते हैं है ना साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ज्यादा है और न्यूक्लियस की ग्रोथ कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली क्या है कम है यानी कि ओवरऑल डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है ज्यादा ज्यादा है है डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी कि इस का क्वांटिटी क्या आएगा डाउन आएगा ये रेशो क्या है ये न्यूक्लियस वर्सेस साइटोप्लाज्मिक रेशो है ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियो साइटो प्लाज्मिक रेशो क्या बोलेंगे न्यूक्लियो साइटो प्लाज्मिक रेशो द मतलब जैसे जैसे सेल ग्रो कर रहा है न्यूक्लियस वर्सेस साइटोप्लाज्म का रेशो क्या हो रहा है कम हो रहा है इसको एक और नाम से भी जान सकते हो केरियो प्लाज्मिक रेशो केरियो वर्ड फॉर द न्यूक्लियस प्लाज्मिक वर्ड फॉर द प्रोटोप्लाज्म दैट इज द साइटोप्लाज्म ठीक है जी न्यूक्लियर साइटोप्लाजमिक रेशो कम हो रहा है न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो कम हो रहा है तो हमें इसे रिस्टोर करना पड़ेगा ऐसे निर्णय दे सकते डिवाइड no, करना, तो करना पड़ेगा दिस सेल विल अल्टीमेटली डिवाइड इंटू टू डॉल टू रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो क्या यह बात समझ आई कि व्यूक्लियस वर्सेज साइटोप्लाज्मिक रेशो जब भी कोई चीज ग्रो करती है तो दोनों बढ़ते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा बढ़ रहा है डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी डिक्रीज हो जाएगी अब उसको रिस्टोर करना है तो सेल को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो पहला पोर्शन इस चैप्टर का व्हाई डू वी नीड टू स्टडी व्हाई द सेल डिवाइड्स सेल डि डिवाइड करता है टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो पहला पॉइंट क्लियर हो गया

ये सारा सीक्वेंस की सेल भाई अपने सारे डुप्लीकेट कर रहा है डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है और फिर अल्टीमेटली डिवाइड हो जा रहा है इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल तो ये क्या है एनसीईआरटी क्या कहती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें भैया सेल डुप्लीकेट करते हैं क्या क्या सेल डुप्लीकेट करते हैं इट्स जीनोम जीनोम यानी कि डीएनए जीनोम को मेटीरियल जिनोम को डुप्लीकेट किया साथ ही में बेटा सिंथेसिस की बहुत सारे सामान की सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट्स और क्या किया डुप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनलीज ऑर्गेनलीज़ भी डुप्लीकेट होंगी प्रोटीन बनेंगे एटीपी बनेंगे सब कुछ बनेगा एंड अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल ये बेटा जी क्वेश्चन मार्क है टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे अगर माइटोसिस है और फोर डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे अगर मियोसिस है ठीक है जी इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल का डेफिनेशन क्लियर हो गया? ठीक है जी डेफिनेशन क्लियर हो गया सेल साइकिल ओके अब ये जो सेल साइकिल है इसमें टोटल कितना समय लगा ये सेल ग्रो किया ग्रो करने के बाद अल्टीमेटली डिवाइड करा दिस होल टाइम पीरियड

सब सब में में नहीं नहीं होता। सब में सेम नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी की, मतलब हमारे सेल को डिवाइड होने में एक सेल से दो सेल होने में चौबीस घंटे लगते हैं पूरे चौबीस घंटे मतलब आज क्या है आज चार बजे चार जनवरी को अगर एक सेल शुरू करता है तो कल फिफ्थ जनवरी को चार बजे वो सेल के दो टुकड़े हो जाएंगे वो सेल डिवाइड हो जाएगा वैसे ही बेटा एनसीईआरटी यीस्ट के बारे में भी बताती है यीस्ट को बेटा जी टाइम कितना लगता है 90 मिनट्स 90 मिनट्स कितने होते हैं डेढ़ घंटा कितना मिनट लगता है डेढ़ घंटा लगता है यीस्ट सेल को एक सेल से दो सेल होने में दो सेल होने में यस yes, मेरे बच्चों ठीक है नाउ दिस सेल साइकिल सेल साइकिल ना एक शादी की तरह है या फिर एक एग्जाम की तरह शादी के बारे में अगर मैं बात करूं शादी की तैयारी होने में साल लग जाता है दो साल लग जाता है लेकिन एक एक्चुअल शादी एक्चुअल फेरे एक घंटे के होते हैं एक घंटे के उसकी तैयारियां बेटा समझ रहे हो शॉपिंगे चल रही है डांस प्रैक्टिस चल रही है ज्वेलरी शॉपिंग चल रही है कपड़ों की शॉपिंग चल रही है जूता शॉपिंग चल रही है ये सब होने में बहुत समय लगता है लेकिन एक्चुअल शादी बहुत कम समय की होती है आप अपने नीट के एग्जाम को देख लो नीट के एग्जाम की तैयारी तुम खुद बता दो तुम कितने साल से कर रहे हो कुछ बच्चे एक साल से कर रहे होंगे कुछ बच्चे तीन साल से कर रहे होंगे कुछ बच्चे हो सकता है चार साल से कर रहे हो लेकिन एग्जाम कितनी देर है एग्जाम तो तीन घंटे बीस मिनट कैसे है है मतलब ये सेल साइकिल जो है सेल का डिवीजन भी है वो भी ऐसा ही है तैयारी में मैक्सिमम समय लगता है तैयारी में 95 परसेंट समय लगता है और सिर्फ 5 परसेंट में सेल डिवाइड हो जाता है मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ह्यूमन का सेल 24 घंटे लेता है डिवाइड होने में मतलब उसकी तैयारी तेईस घंटे चल रही है तेईस घंटे तो उसकी तैयारी है और एक घंटे में डिवाइड हो जा रहा है ट्वेंटी थ्री आवर्स बेटा जी इसकी प्रैक्टिस चल रही है और सिर्फ एक घंटे में जाकर डिवाइड हो जा रहा है बिल्कुल ऐसा ही है अब ये जो तैयारी वाला फेज है तैयारी वाला फेज है इसको हम बोलते हैं इसको बेटा जी हम बोलते हैं इंटर फेज क्या बोलते हैं इस तैयारी वाले फेज को इस तैयारी वाले फेज को हम लोग बोलते हैं इंटर फेज ठीक है जी इट्स अ प्रेपरेशन फेज ये क्या है बेटा जी एक प्रेपरेटरी फेज है ठीक है इट्स अ प्रेपरेटरी फेज और जब एक्चुअल सेल डिवाइड कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज एम फेज

ये सारे नोट्स बेटा आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिल जाएंगे आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे या जस्ट गूगल पर डालो सीप पाहजा टेलीग्राम आपको ऐसे मिल जाएगा ढाई लाख से अधिक उसमें बच्चे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा मैं क्लास के बाद ये नोट्स शेयर कर दूंगी वैसे अगर आपके पास है तो कोई जरूरत नहीं बनाने की नहीं है तो डेफिनेटली आपको साथ साथ बनानी चाहिए साथ साथ बनाओगे तो सीखोगे ठीक है ये कैरियो आगे फर्दर डिवाइडेड है बेटा चार फेज में नाम है पी एम ए टी क्या नाम है पी एम ए टी पी मैट क्या बोलते हैं इसको पी मैट. मैट पी मैट पी फॉर प्रोफेज प्रोफेज एम फॉर मेटाफेज ए फॉर एनाफेज बताते जाओ टी फॉर टीलो

पेपर दोगे तुम तीन घंटे बीस मिनट में यानी कि 95 और 5 का रेशो है यहीं पर अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो ह्यूमन सेल का इंटरफेस कितनी देर चल रहा होगा घंटे और सिर्फ एक घंटे में ह्यूमन का जो सेल है वो डिवाइड कर जाएगा ठीक है डिवाइड कर जाएगा अब जरा बेटा जी ये फेजेस बना लें बना लें साइकिल है तो साइकिल बनाना पड़ेगा हमें ठीक है साइकिल है तो साइकिल बनाना पड़ेगा बना लेते हैं जस्ट अ सेकेंड हां जी एक वो ले आओ प्रकार छोटे होते हम इसको प्रकार ही तो बोलते थे है ना प्रकार यानी कि कंपस ठीक है आप लोग क्या बोलते थे इसको हम लोग तो बेटा जी इसको कंपस बोल देते थे प्रकार भी बोल देते थे ठीक है चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी मी जस्ट ड्रॉ सर्कल बना लेते हैं ठीक है मुझे बनाना है इंटरफेस और एम फेस इंटरफेस में टोटल कितने जी वन एस जी टू एम सबसे बड़ा फेज इज गोइंग टू बी जी वन फेज तो आप यहाँ पे ध्यान देना मैं कैसे बना रही हूँ ये देखिए जी वन एंड देन आपके पास आ जाएगा जी टू देन आपके पास आ जाएगा एस और फिर ये छोटा सा फेज आ जाएगा आपका एम फेज मैं लिख देती हूँ ये है बेटा जी मेरा जी वन फेज काफी बड़ा है सबसे बड़ा है एस देन जी टू एंड देन आपका एम लास्ट ईयर बहुत सिंपल सा सवाल आ गया था सवाल किस पे आया था ऑर्डर बताओ ऑर्डर ये है हमेशा सेल साइकिल में ऑर्डर बेटा जी एक होता है एस एंड एम कभी भी आप उल्टा नहीं जा सकते ठीक है जी कभी भी आप उल्टा नहीं जा सकते सो इट इज सकतेज जीवन एस जी टू एम जीवन एस जी टू एम यानी कि एक मिनट इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ या ध्यान दो हां जी ये देखो जीवन एस जी टू एम फिर से क्या आ जाएगा जीवन एस जी टू एम है ना यानी कि इस जीवन एस जी2 एम के बीच में तैयारी होगी फिर से डिवीजन हो जाएगा फिर तैयारी हुई फिर डिवीजन हो गया फिर तैयारी हुई फिर डिवीजन हो गया तो आपको याद रखना है कि दो इंटरफेज के बीच में एक एम फेस होता है आर यू फोकसिंग ये सारा इंटरफेस है जिसको मैंने पिंक कलर से बताया दिस इज इंटरफेस दिस इज इंटरफेस यानी कि दो इंटरफेस के बीच में एम फेस होता है या फिर मैं बोल सकती हूं दो एम फेज के बीच में इंटरफेस होता है बोल सकते हैं कैन आई से दिस लाइन दो इंटरफेस के बीच में एम है एंड दो एम के बीच में फिर से इंटरफेस है जी वन एस टी टू एम जी वन एस टी टू एम ठीक चलिए तो मेरा जो इंटरफेस है ना ये रेस्ट करने का फेज है इट इज द रेस्टिंग फेज मुझे उम्मीद नहीं थी आज भी ये हमें परेशान करेगा हम भी कौन सा हार मानते हैं प्रेप्रेट्री फेज प्रेप्रेट्री फेज अच्छा इसको रेस्ट रेस्ट क्यों बोला है का क्या, क्या मतलब है सेल आया और के सो गया तुम्हारी तरह तुम तो रेस्ट ऐसे ही करते हो मैम हम आते हैं चादर तानते हैं और सो जाते हैं फिर हम ना अलार्म लगाते हैं न किससे पूछते हैं और खराटे मारने लग जाते हैं नहीं बेटा रेस्ट इसको इसीलिए बोला है बिकॉज इट इज नॉट डिवाइडिंग एट दिस टाइम सेल इस समय डिवाइड नहीं कर रहा इसीलिए इस फेज को क्या बोला है रेस्टिंग फेज बोल रहा है लेकिन इसके अंदर घमासान बहुत चल रहा है इसके अंदर तैयारी चल रही है शादी से पहले बेटा काफी एक्टिवनेस आ जाती है लड़का लड़की में तो मेटाबोलिकली एक्टिव है ना लड़की में थोड़ी ज्यादा आ जाती है वो अपना मेकअप वेकअप हाउ टू लुक गुड जिम विम सब बिल्कुल चालू हो जाता है इट इज अ अटाबोलिकली एक्टिव फेज तो कभी भी इसको मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं बोलना ये सोच के कि ये रेस्टिंग फेज है माना कि रेस्टिंग फेज है बट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव उसके अंदर डिवीजंस उसके अंदर ग्रोथ उसके अंदर डुप्लीकेशन ये सारी चीजें चल रही हैं प्लस बेटा जैसा कि मैंने लास्ट वाले डायग्राम में बताया इट इज द लॉन्गेस्ट फेज सबसे बड़ा है 95% ऑफ सेल साइकिल तो बेटा सारा इंटरफेस ही है ये देखो तुम तो, ये रहा मेरा सारा इंटरफेस दिस वन तो 95% तो टाइम किसके पास जा रहा है इंटरफेस के अंदर ही जा रहा है ठीक है अब इस इंटरफेस को मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया आप यहाँ पे देखिए जी वन एस जी टू एम ठीक है वन बाय वन हम लिखेंगे किस फेज में क्या हो रहा है आर यू रेडी विद दिस वन बाय वन हम लिखेंगे बहुत हंसी आ रही है बेटा आपका भी फ्यूचर यही है ठीक है आपका भी फ्यूचर यही है है ना सुपर एक्टिव हो जाते हैं सब जब शादी होती है और जब खुद की शादी यार तुमने तो घर की शादियां देखी हैं और वैसे अब जब खुद की शादी होगी तो देख ही रहे हो क्या हालत होगी तो आज जो शादी से पहले वाली एक्टिवनेस है वो तुम में आती वो तुम में आती है ना वो तुम में आती नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये है जी क्या कह रहे हैं तो पता ही है है मैम छोड़ती नहीं है किसी को है ना मैम छोड़ती नहीं है शादी में जो एक्साइटमेंट है काश तुम्हें नीट एग्जाम की उतनी एक्साइटमेंट होती तुम भी मेटाबॉलिकली एक्टिव चल रहे होते अब जाके एक्टिव हो अगर तुम पूरा का पूरा टाइम पे एक्टिव होते तो बात ही क्या थी है ना लेकिन गड़बड़ क्या है कि तुम अब जाकर एक्टिव हुए हो बट अब क्या कर सकते हैं जब जागो तब सवेरा चलिए तो जी वन का नाम जीवन क्यों है वन वन बाय सारी बातें डिस्कस करेंगे G1 का नाम जीवन क्यों है क्योंकि जीवन है नहीं जी वन का नाम जीवन इसीलिए है क्योंकि फर्स्ट गैप फेज है या इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज दिस इज सिंथेटिक फेज दिस इज द सेकंड ग्रोथ फेज एंड दिस वन इज द एम फेज तो वन बाय वन हर फेज के बारे में लिखेंगे जी वन इज कॉल्ड एज जी वन बिकॉज इट इज गैप वन फेज या फिर इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोला जाता है फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोला जाता है यहाँ पर ध्यान दो ये जी वन एम के बाद आ रहा है तो क्या मैं इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकती हूँ इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं दूसरी चीज ये जो जी वन है ये एस से पहले आ रहा है ऑर्डर तो हमेशा सेम रहेगा ना मैंने आपको यहाँ पर सिखाया ऑर्डर विल ऑलवेज रिमेन सेम ऑर्डर पे भी सवाल आ सकता है और आया भी है पिछले साल जीवानेस G2M जीवानेस G2M तो S से पहले आने वाला है इसीलिए इसको बोल सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज S फॉर सिंथेटिक होता है बेटा तो ये हो जाएगा प्री सिंथेटिक फेज ठीक है जी M के बाद S से पहले आने वाला फेज क्या कहलाएगा G1 फेज कहलाएगा अगर तुम यहाँ पर पूरे इंटरफेस को ध्यान से देखोगे पूरे इंटरफेस को ध्यान से देखो G1 S G2 इनमें से सबसे बड़ा ड्यूरेशन किसका लग रहा है सबसे बड़ा ड्यूरेशन है बेटा जी जी का यानी कि इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज पूरे इंटरफेज का सबसे लंबा फेज यही है ठीक है लॉन्गेस्ट फेज किसका अगर मैं पूरे इंटरफेस का भी देखूं तो भी यही है पूरे साइकिल का भी अगर तुम देखोगे ना सबसे ज्यादा स्पेस मैंने जी वन को दी है सबसे ज्यादा स्पेस मैंने जी वन को दी है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ बोथ इंटरफेज प्लस सेल साइकिल पूरे के पूरे सेल साइकिल का भी सबसे बड़ा फेज कौन सा है बेटा जी यही है यानी कि ये एक ऐसा फेज होगा जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होने वाली है सबसे ज्यादा ग्रोथ सेल की मैंने आपको बताया ना अगर सेल डिवाइड कर कर रहा है तो क्यों कर रहा है टू री स्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लास्मिक रेशो वो न्यूक्लियर साइटोप्लास्मिक रेशो डिस्टर्ब ही क्यों हुई क्योंकि सेल ग्रोथ कर रहा था, बड़ा हो रहा था था बड़ा बड़ा हो तो जो बड़ा होने का काम है मैक्सिमम ग्रोथ है वो कब हो रही है इसी जी वन में हो रही है कब हो रही है बेटा जी इसी जी फेज में ही मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है अब इस ग्रोथ को होने के लिए काफी ज्यादा अपने को एनर्जी चाहिए है ना काफी ज्यादा हमको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए अगले वाले में प्रोटीन बनेंगे एसिड चाहिए और डुप्लीकेट करना, करना है सिंथेसाइज सिंथेसाइज करना करना है है प्रोटीन तो बहुत सारे काम बेटा जी हम यहां पर कराएंगे क्या क्या बनवाऊ एक तो मैंने बोला मैक्सिमम ग्रोथ होगी प्रोटीन को बनाने के लिए आइटम तैयार हो जाएंगे दैट इज अमाइनो एसिड सिंथेसिस अमाइनो एसिड को मैं ये लिख रही हूँ बेटा ए ए अमाइनो एसिड सिंथेसिस ठीक है अमाइनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी बनेंगे काफी बट एक्सेप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोटीन को छोड़ के बेटा जी दैट इज हिस्टोन प्रोटीन प्लस ट्यूबुलिन ठीक है और फेज में अल्टीमेटली मैंने डीएनए को डुप्लीकेट करना है डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए मुझे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सब आइटम चाहिए वो मैं पहले ही बनवा लेती हूँ कि इस फेज में मेरे पास न्यूक्लियोटाइड बनेंगे न्यूक्लियोसाइड बनेंगे न्यूक्लियोसाइड बनेंगे ठीक है जी पहले तैयारी करा के रखनी है आरएनए बनेगा का काफी सारा आरएनए सिंथेसिस होगी और सिंस ये लॉन्गेस्ट फेज है पूरे सेल साइकिल का भी और आपके इंटरफेस का भी तो ऑर्गेनलीज भी डुप्लीकेट करेंगी मैक्सिमम ऑर्गेनलीज डुप्लीकेट करती हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली अब ये लाइन लाइन ये लिखी हुई है ये लाइन एनसीईआरटी में समरी में लिखी हुई है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे लेकिन साथ में समरी भी पढ़ेंगे जहां किया हुआ है ऑर्गेनलीज ड्यूप्लीकेट ड्यूरिंग दिस जीवन एज मोस्ट लिखा है मतलब कुछ छोड़ दूंगी कौन सी छोड़ दूंगी सेमी ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस यानी कि आपका प्लास्टिकॉन्ड्रिया well इनको मैं छोड़ दूंगी प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी ये तीनों में कहा पर लिखूंगी जी टू में लिखूंगी ठीक है कहा लिखूंगी जी टू में लिखूंगी अब इस सबके लिए मुझे एनर्जी भी चाहिए अगले फेज में मुझे डी एन ए को डुप्लीकेट करना है फिर एटीपी सिंथेसिस भी मैं यहीं पर कराऊंगी ठीक है एटीपी सिंथेसिस यहीं पर कराऊंगी अब मैंने बोला कि मैं हिस्टोन और ट्यूबुलिन अभी नहीं बनाऊंगी ये एक्सेप्शन है एक्सेप्ट एक्सेप्ट हिस्टोन हिस्टोन एंड एंड ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन मैं बाद में जाके बनाऊंगी अगर मैं ये बाद में जाके बना रही हूँ तो प्रोटीन का मसाला तो पहले तैयार कर सकते हैं मान लो सब्जी मुझे बाद में बनानी है रॉ मटेरियल तो ले आऊ आलू प्याज टमाटर ये सब तो ले आऊ तो ये सब लाने के लिए यानी कि मैंने अमाइनो एसिड इसके पहले बना लिए प्रोटीन अगले फेज में बना ले क्या दिक्कत है है ना तो हमने इसके अमाइनो एसिड बना लिए थे और इनके प्रोटीन हम पूरे के पूरे बाद में बनाने वाले हैं फेज फेज क्लियर क्लियर है G1 clear है।, G1 clear है अब मैं आपको दो तरीके के सेल दूंगी एक सेल वो है जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है एक सेल वो है जो कि लेट डिवाइड करता है एनसीआरटी का ही एग्जांपल लेते हैं लेट अस टेक सेल ऑफ यीस्ट एंड ह्यूमन हाँ ये वाला सेल देखो ये दोनों सेल देखो एक ह्यूमन का सेल है चौबीस घंटे में डिवाइड किया और एक मेरा यीस्ट का सेल है सिर्फ नब्बे मिनट में डिवाइड किया आउट ऑफ दीस टू सेल जीवन किसका छोटा होगा खुद बता दो बहुत आसान है जीवन किसका छोटा होगा छोटा 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 एक सेल नब्बे मिनट में डिवाइड कर रहा है एक सेल को चौबीस घंटे लग रहे हैं किसका जीवन छोटा यस किसका एप्सोल्यूटली राइट right, बच्चों जी वन किसका छोटा होगा यीस्ट का छोटा होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन यानी कि मैं यहां डब्बे में एक लाइन लिख सकती हूं दैट इन फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल भाई जो जल्दी डिवाइड करेगा वो फ्रीक्वेंटली हो गया ना यीस्ट इज फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल एज कंपेयर टू ह्यूमन इन फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल जी वन वुड बी शॉर्टर जी वन वुड बी शॉर्टर as compared to as compared to cells which take as compared to cells which take long time to divide which take longer time to divide ठीक है यस yes. अब मेरे ध्यान से सुनो यहां पर मैं लाइन लिख दी कि भाई आउट ऑफ ह्यूमन एंड यीस्ट यीस्ट सेल में जीवन छोटा होगा क्या इस लाइन का यह मतलब है कि जब यीस्ट का मैं जीवन एस जी टू बनाऊंगी तो जीवान उस चारों में से छोटा होगा या फिर इन दोनों के जीवन को कंपेयर करेंगे वो छोटा है ध्यान देने वाली बात ये है कई बार ये लाइन लिखी होगी दैट इन फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल जीवन इज शॉर्टर दिस नॉट मीन दिस नॉट मीन कि यीस्ट का जो यीस्ट का जो जीवन एस जी टू एम है उसमें जीवन छोटा है ये मतलब नहीं है यीस्ट के तो इन चारों में से जीवन ही बड़ा है जीवन सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है लेकिन लेकिन बेटा जी अगर दो सेल्स को कंपेयर करेंगे जो जल्दी डिवाइड करेगा उसका जीवन छोटा क्या ये बात समझ आई क्या ये बात समझ आई एक सेल को लोगे तो भाई जीवन सबसे बड़ा है लेकिन दो सेल को कंपेयर करोगे तो जो जल्दी डिवाइड कर रहा है उसका जीवन छोटा है एस कंपेयर टू अदर सेल कंपैरिजन में जीवन को छोटा लिख सकते हैं इंडिविजुअल सेल में जीवन को कभी छोटा नहीं लिख सकते ठीक है जी जीवन छोटा नहीं होता है है ना मजे भी आते हैं जीवन में जब अब तुम तैयारी करनी शुरू करते हो जब इलेवंथ में आते हो तो कितना मजा आता है वो तुम्हारा जीवन होता है इलेवेंथ के जो पहले छह महीने सात महीने है ना दैट इज जीवन मजा आता है पढ़ने में हाँ हाँ डॉक्टर बनने वाले हैं फोड़ देंगे सारा काम साथ करते हो बहुत एनर्जी भी होती है उस समय पर जो जो होमवर्क दिया जाता है करते हो जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं सब करते हो जितना रिविजन के लिए बोला जाता है करते हो बाद में आगे ढीले हो जाते हैं अब अपने आप को देखो और इलेवेंथ में अपने आप को देखते बस वही अंतर है वही अंतर है बेटा और ज्यादा अंतर नहीं है ठीक है चलो आ जाओ अगले फेज पे आते हैं मैं सब कुछ इसी पेज पे लिख दूंगी तो आप भी उसी हिसाब से जगह रखिएगा नेक्स्ट फेज आता है एस फेज एस फेज का नाम एस क्यों है सीप, नाम से मैम का फेज़ है यस एस फेज yes, का नाम एस फेज इसीलिए है बिकॉज इट इज सिंथेटिक फेज कुछ ना कुछ बन रहा है है ना कुछ ना कुछ बन रहा है जनरली जनरली हमारी एनसीईआरटी बोलती है ये जो सिंथेटिक फेज है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है लेकिन मैं अभी दो इसके इवेंट्स ऐसे प्रूव कर दूंगी जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं वो तुम भी फिगर आउट कर लोगे से एस सिंथेटिक फेज फेज कुछ कुछ ना कुछ बन रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिस इज द व्हेन डीएनए डुप्लीकेट एक सेल से दो सेल से बनाने हैं तो डीएनए तो एनी हाउ डुप्लीकेट करना पड़ेगा ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है डीएनए डुप्लीकेट कब होता है तो भाई डीएनए एन रेप्लीकेशन डीएनए डुप्लीकेशन होती है मेरे एस एस फेज फेज में, में, ह्यूमन को एज ए सैंपल लेके चले ह्यूमन में जो डीएनए होता है क्या लेंथ है मीटर में बताओ क्या लेंथ है, yes. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ यहाँ पर ये अच्छे से नहीं किया तो सब बेकार कितने मीटर है मीटरों में बताओ टू पॉइंट टू मीटर हमारी लेंथ है वैसे तो एस फेज में जो डीएनए है ना हमारा धागे की तरह बैठा था होता है अभी तैयारी चल रही है ना अभी क्रोमोजोम नहीं बना क्रोमोजोम तब बनता है जब डिवाइड डिवीजन का समय आ जाता है एम में बनता है एम एम फेज में।, M में में में, में बनता है अभी नहीं बना अभी ये धागे की तरह था है लेकिन अगर इसके क्रोमोजोम बन जाते तो कितने बनते ह्यूमन में मैं कह रही हूँ मेरे पास टू पॉइंट टू मीटर है जब इसके क्रोमोजोम बनते तो टोटल कितने बनते हैं मेरे बच्चे बताओ टोटल क्रोमोजोम कितने बनते हैं मुझे अब आंसर चाहिए अगला पांच मिनट अब बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये पांच मिनट मियोसिस और माइटोसिस दोनों का बेस बनाने वाला है और ये बेस अगर किसी ने नहीं सीखा तो स्ट्रगल करते रहेंगे कि नंबर क्या था क्वांटिटी क्या थी कितने बनेंगे अगर ये 2.2 मीटर को मैं क्रोमोजोम बनाऊंगी तो मेरे पास कितने क्रोमोजोम बनते हैं फोर्टी सिक्स बनते हैं याद रखना है बिफोर एस फेज बिफोर एस फेज यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ बिफोर एस फेज मेरे पास फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम थे लेकिन सिंगल क्रोमैटेड वाले थे अभी खैर बनते नहीं है मैं जस्ट आपको समझा रही हूं। बनेंगे ये M में लेकिन अगर बन जाते तो मैं इसको बोलती बिफोर फेज मेरे पास सिंगल धागे वाले सिंगल धागा समझ रहे हो वन क्रोमैटेड वाले फोर्टी सिक्स क्रोमोजोमी सिक्स क्रोमोजोम है ईच हैविंग वन क्रोमैटेड ठीक है बिफोर एस फेज मेरा ये सीन था मतलब एस फेज से पहले मेरे पास टोटल फोर्टी सिक्स ऐसे धागे थे नंबर आपको पता है ना टू सेट में होते हैं एक सेट मम्मी से आता है एक सेट पापा से आता है क्रोमोजोमी वन डैश टू टू डैश थ्री थ्री डैश फोर फोर डैश इस तरीके से चलता जाता है और अभी तक ये क्रोमोजोम एक धागे वाले हैं लेकिन आफ्टर एस फेज ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई आफ्टर एस फेज क्रोमोजोम अभी भी फोर्टी सिक्स ही है 1, 1 2, 2 लेकिन अब हर क्रोमोजोम में एक धागा नहीं दो धागे होने वाले हैं यानी कि आफ्टर एस फेज यहाँ पर हम लिखते हैं आफ्टर एस फेज हमारे जो डीएनए है वो डबल हो गया यानी कि अब हर क्रोमोजोम ऐसा दिखने लग गया लेकिन नंबर अभी भी कितना है 46 हैं, लेकिन ईच हैविंग टू धागा धागे को मैंने क्या बोला क्रोमैटेड मतलब एस फेज में क्या हुआ डीएनए डबल, फेज में क्या हुआ? सेम, पहले एक एक धागे के थे अब दो 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 धागे के हैं है ना? दो दो धागे के हैं मतलब एस फेज ऐसा होता है जिसमें डीएनए कंटेंट डबल होता है डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है डबल बट क्रोमोजोम का नंबर चेंज हुआ बताओ क्रोमोजोम का जो नंबर है that remains same. सिर्फ क्या चीज हुई? में। ऐसे ले लो कि पहले मान लो दो किलो का डीएनए था अब चार किलो का है है ना दो किलो का था चार किलो का मान लो मैं मान लेती हूँ इससे पहले टू सी डीएनए था अब कितना हो गया फोर सी ठीक है फोर सी डबल हो गया अगर क्लोइडी लेवल में बात करें

अब मैंने यहां पर बोला यहां और भी हो रहा है क्या हो रहा है प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं वैसे तो मेरी प्रोटीन सिंथेसिस जीवन में हो गई थी लेकिन दो प्रोटीन ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर सिंथेसिस करूंगी दैट इज हिस्टोन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है बेटा जी यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हिस्टोन प्रोटीन यहां पर आकर बनता है और बेटा जी एक ऑर्गेनली भी बनती है एनिमल सेल में दैट इज सेंट्रियोल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन यहां पर मैं लिख देती हूँ ये cell में होता है प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है तो ये काम कहाँ होगा एनिमल सेल में होगा अच्छा अब मैंने तो बताया था बेटा यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एनसीआर कहती है की होता है लेकिन इसका सारा काम न्यूक्लियस में नहीं होता कुछ कुछ साइटोप्लाजम में भी हो रहा है भाई डीएनए डबल तो न्यूक्लियस में ही होगा मान गए लेकिन क्या प्रोटीन न्यूक्लियस में बनतेशन कहाँ होती है प्रोटीन कहाँ बनते हैं साइटोप्लाज्म में yani, कि अगर पर प्रोटीन बन रहा है हिस्टोन बन रहा है तो साइटोप्लाज्म में बन रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है तो पर ध्यान देना है ऐसे ब्लाइंडली नहीं लिख के आ जाना होल एस फेज अकर्स इन द न्यूक्लियस नो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन द न्यूक्लियस बट प्रोटीन बनना एंड आपका सेंट्रियल डुप्लीकेट होना ये आपके यहाँ पर होता है दैट इज इन द साइटोप्लाज्म चलिए अब चले एस जी टू पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस पेज में से बनने हैं जिसने इस पेज को समझ लिया आधा चैप्टर उसका हो गया है यहीं पर हाँ जी मेरे बच्चों जी टू पे आ जाते हैं जी टू का नाम जी क्यों है हाँ जी जी का नाम जी क्यों है जी का नाम जी इसीलिए है बिकॉज इट इज गैप टू फेज या फिर सेकंड ग्रोथ फेज सेकंड ग्रोथ फेज अच्छा क्या इसको पोस्ट सिंथेटिक बोल सकते हैं एस के बाद हो रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट सिंथेटिक फेज पोस्ट सिंथेटिक फेज और एम से पहले हो रहा है एम से पहले यानी कि प्री माइटोटिक फेज प्री माइटोटिक फेज ये सारे नाम है बेटा जी जी टू के जी टू में भी ग्रोथ ही होनी है बेसिकली हर स्टेप में ग्रोथ हो रही है बेटा Every step is showing growth. growth. In fact, M phase will also show growth. Obviously, ज़्यादा growth आपकी G1 में होगी अच्छा अब G2 में growth में growth के नाम पे क्या हो रहा है, है। यहाँ पर भी organelles बची हुई duplicate करेंगी कौन कौन सी semi-autonomous mitochondria आ गई और कौन सी आ गई Plastid आ गई यानी कि chloroplast। और कौन सी गई? Golgi। ये तीन यहाँ पर duplicate करती हैं। याद रखना है बाकी सारी जीवन में करती है है ना और बेटा जी एक प्रोटीन यानी कि ट्यूबुल यूबुलिन का जो फॉर्मेशन uh, है सिंथेसिस है वो G2 में होगा एंड जो बचा बचाकुचा माल है जीवन में नहीं हुआ रिमेनिंग आरएनए एंड प्रोटीन रिमेनिंग आरएनए प्रोटीन बेटा जी यहां पर सिंथेसाइज होंगे फ्यू प्रोटींस आरएनए ठीक है जी तो ये सारा काम किस में हो रहा है G2 में तो G1 S G2 याद हो गया सबको इंटरफेज मैंने आपको बता दिया इंटरफेज में सबसे लंबा वन मैक्सिमम ऑर्गेनलीज G1 डीएनए डुप्लीकेशन एस फॉर्मेशन जी टू फॉर्मेशन बीच का एस बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन क्लियर चलिए जब ये सारी प्रेपरेशन हो जाएगी शादी की पूरी तैयारियां होगी बेटा जिम में लड़की ने अपना वेट भी कम कर लिया डॉक्टर के पास जाकर पार्लर में जाकर खूब प्री ब्राइडल कराया सुंदर हो चुकी है इतने फेशियल वेशल कराए लश्करे मार रही है बेटा सब कुछ तैयारी हो चुकी है कपड़े खरीद लिए कम से कम ग्यारह तरीके के तो साड़ी खरीदी ग्यारह तरीके के सूट खरीदे उसने जूता खरीदा सब कुछ खरीद लिया एवरीथिंग इज नाउ रेडी अब आ रहा है डी डे जिस दिन शादी होती है है ना वो सब कुछ एक ही दिन में यूज हो जाएगा चलिए अगला फेज आखिरी फेज दिस इज कॉल्ड एज एम फेज क्या है ये एम फेज एम फेज में आधा समय तो तुम्हें पता ही है शादी में क्या होता है लोग नाचते रहते हैं खाते रहते हैं नाचते रहते हैं खाते रहते हैं शादी तो लास्ट के पाँच मिनट uh, एक घंटे में हो जाती है फेरे यानी कि लास्ट के टाइम पे हो जाते हैं तो इस एम फेज को बेटा जी मैं फर्दर डिवाइड कर रही हूँ लेट मी जस्ट डिलीटेड तो यहाँ से डिलीट करते हैं एंड यहाँ पर लगा देते हैं यस yes, इस एम फेज को बेटा जी मैंने आगे डिवाइड करा लाइक दिस तो दिस वन दिस इज दिसकम के लेट मी राइट ओवर हेयर ये है मेरा केरियो एंड ठीक है एक, is P, M, A, D, है जी, केरियोकाइनेसिस आगे डिवाइड होता चार फेजेस में और साइटोकाइनेसिस तुम क्या होता है ठीक है पी मैट नाउ डस दिस पी डिनोट्स मैं लिख चुकी हूँ पी फॉर प्रोफेज एम फॉर मेटाफेज ए फॉर एनाफेज टी फॉर टीलो यानी कि अगर मैं इस जगह पर स्टार्ट हुई थी विद वन सेल यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक सेल था तो ये एक सेल पूरा अपनी जिंदगी पूरी करके अब एक से कितने हो चुके हैं एक से हो चुके हैं ये दो सेल ठीक है जी एक से हो चुके हैं दो सेल तो ये है मेरे ऑफ सेल साइकिल क्या ये फेजेस तुम उल्टा पुल्टा कर सकते हो नहीं कर सकते जीवा S इसका गाना बनाओ पत्ती बनाओ सामने लिखो वॉशरूम में लिखो ब्रश करते हुए गाओ नहाते हुए गाओ लेकिन ये गाना ऐसा ही याद होना चाहिए गाना तो है ऐसा ही उल्टा नहीं गा सकते अच्छा अब कौन बताएगा कि भाई जीवान के बाद जी2 आएगा जीवान के बाद एस आएगा एस के बाद जी2 आएगा हु विल टेल ऑल दीस थिंग्स कौन बताएगा है ना आपको पता ही है जब आप क्लास 11 से ट्वेल्थ में आए थे किसने बोला था 11 से 12th में चले? कौन बोलता है आकर आप 11th के पेपर देते हो पेपर में पास होते हो पेपर के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है रिपोर्ट कार्ड तो 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 इस नाके पर या इस नाके पर जो जीवन से ऐसे में उसको प्रमोट कर देता है या फिर कोई तो पुलिस नाम की चीज बैठी है इस जगह पर जो इसको यहाँ पर प्रमोट कर देती यानी कि अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा जी ये मैंने सब लिखवा दिया है ये मैंने उसी टेबल पे लिखवा दिया मैं सीधा आ रही हूँ चेक पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज चेक पॉइंट है ना आप अगर एक स्टेट में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल राजस्थान राजस्थान से जब आप पंजाब में एंट्री लेते हैं आसान नहीं है एंट्री लेना वहां पर नाका लगा होता है पुलिस बैठी होती है गाड़ी चेक होती है सब होता है वैसे बेटा जी यहाँ पर भी नाके लगे होते हैं तो पहला नाका कहाँ पे लगा हुआ है एक मिनट इस फालतू को मैं डिलीट कर दू हाँ पहला नाका मुझे कहाँ पर लगा हुआ दिखेगा

जी वन टू एस में और जी टू टू में बड़ा वाला नाका कौन सा है बड़ा वाला ये अगर तुम बड़ा वाला नाका क्रॉस कर चांसेस कि तुम ये भी क्रॉस कर ही जाओगे तो लेट अस राइट अबाउट द चेक पॉइंट चेक पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं तो चेक पॉइंट बेसिकली क्या है ट्रांजिशन पॉइंट है ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं ये नाके हैं यहां पर कुछ प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो प्रोटीन्स चेक करेंगे वेदर द सेल हेल्थी टू क्रॉस द नेक्स्ट फेज टू रीच द नेक्स्ट फेज और नॉट ठीक है जी ये ट्रांजिशन पॉइंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है आपके प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन काइनेजेस काइनेजेस ये जो काइनेजेस है दीज आर डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन तो इनको हम लोग इकट्ठा बोल देते हैं इनको बेटा जी इकट्ठा बोल देते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजिस क्या बोल दोगे साइक्लिन डिपेंडेंट ठीक है मेरे बच्चों तो दो नाके मैंने आपको बताए टू चेक पॉइंट्स ठीक है टू चेक पॉइंट्स पहला चेक पॉइंट जो मेजर है दैट इज बिटवीन जी वन टू एम दूसरा है सेकेंड वन जी टू टू G1 G1 to 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 S, S, G2 to M, है ना? तो so मैंने दो चेक पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता दिए G1 to S and G2 to M. Which one is the दिस वन दिस इज द मेजर चेक पॉइंट एंड द फर्स्ट चेक पॉइंट ठीक है जी यस yes. कौन कर रहा है G1 cyclin इसको कर रहे हैं एंड CDK2, cyclin dependent kinases two. डिपेंडेंट ठीक है इसमें ज्यादा दिक्कत आती है पुलिस यहाँ ज्यादा चेक करती है कि भाई ठीक ठाक है तूने सारे प्रोटीन बना लिए तो इस लायक है कि एस में जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है तो ये सारी चेकिंग आपकी इस वाले पॉइंट पे हो जाएगी अगर बेटा जी सेल यहाँ से क्रॉस कर गया तो भाई एस में पहुंच गया फिर एस तो पूरा कर ही लेगा जी टू में भी पहुंच जाएगा फिर जब एम में जाने लगेगा तो सेकेंड चेक पॉइंट आएगा इसको हम लोग बोलते हैं माइनर चेक पॉइंट माइनर चेक पॉइंट कौन करता है ये एम साइक्ल करते हैं एम साइक्लिनस करते हैं एंड सीडीके 2 करते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस 2 करते हैं अब इधर आ जाओ आ जाइए इस पिछले वाले डायग्राम मान लीजिए मैंने चेक पॉइंट तो बना दिए यहाँ पर भी पिंक कलर से दिखा देती हूँ दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट दिस वन इज द सेकंड चेक मान लीजिए मान आपने आपका G1 से G2 के बीच में जो चेक पॉइंट आना चाहिए था साइक्लिंस को आना चाहिए था काइनेजिस को आना चाहिए तो आए नहीं आए नहीं दे आर नॉट प्रॉपरली फॉर्म तो सेल बेटा जी नाका क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि नाका क्रॉस करने के लिए प्रोटीन चाहिए अगर यहाँ वाला प्रोटीन नहीं बना तो नाका क्रॉस नहीं यानी कि देर आर सर्टेन केसेस इन विच सेल डिसाइड्स कि मुझे अब डिवाइड नहीं करना बेटा बॉडी में ऐसा नहीं होता कि हर सेल

तो को कर थे तो में कि कि भाई ठीक है तू 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 बन 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 जा का बन जा का बन जा तो एक एक काम कर ले यानी अगर सेल यहां पर छोड़ के अपना एक काम करने के लिए डिसाइड करता है करने के लिए करता है तो सेल को ये जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा बताओ अगर सेल डिफरेंट होना चाहता है तो सेल को जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा कहा जाएगा क्या जाए फिर से बेटा जाके चदरतान के, चदर के सो जाए बताओ तुम खुद बताओ क्या इसको बाहर निकाल दू और सीधा बोलू की जाओ रेस्ट करो तुम्हारा रेस्टिंग टाइम आ गया चदरतान के सो जाओ नहीं सेल बेटा अगर डिसाइड करता है कि मुझे डिवाइड नहीं करना तो वो बड़े नाके को क्रॉस नहीं करेगा बड़े वाले चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा वो जी वन को एग्जिट करके रुकिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ कर देती हूँ यहाँ कर देती वो बेटा जी जी वन को एग्जिट करके चला जाएगा एक अलग फेज में जिसका नाम है जी नॉर्ड फेड फेज जी नॉड फेज में जो सेल चला गया मतलब यार वो हो चुका है अब उसको अपना काम मिल चुका है वो बेटा वापस नहीं आना चाहता आना नहीं चाहता ठीक है लेकिन सेल चाहे तो वो दोबारा बुला सकता है सेल चाहे तो दोबारा बुला सकता है यानी कि जी नॉर्ड में गए हुए सेल्स की वापसी भी हो सकती है दे कैन कम बैक इफ दे आर कॉल्ड ऑन भाई इनको दोबारा बुलाया जा सकता है पेरन बन गया डिफ्रेंशिएट हो गया फिर हमने प्लांट ग्रोथ में एक चीज पढ़ी थी डी डिफ्रेंसिएशन वापिस आओ सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू बन जाओ है ना प्राइमरी मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि सेल जी को छोड़ के जा सकते हैं वो रेस्ट कर सकते हैं इस फेज को जब वो जी नॉड में चले जाएंगे जी नॉड में चले जाएंगे यानी कि इन्होंने एग्जिट कर दिया है जी फेज जी1 फेज को एग्जिट कर दिया है बट क्या सेल साइकिल छोड़ के गए नहीं डू नॉट एग्जिट सेल साइकिल सेल साइकिल छोड़कर नहीं गए ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ध्यान देना जी1 को एग्जिट किया सेल साइकिल छोड़कर नहीं गए मतलब मतलब वो दोबारा वापस आएंगे या आ सकते हैं इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्वीसेंट फेज क्या बोलते हैं इसको

ऑन इनको कभी भी सेल साइकिल के अंदर दोबारा बुलाया जा सकता है ठीक है दोबारा बुलाया जा सकता है क्लियर क्लियर हो हो गया बात हो गई तो जी के बारे में मैंने क्या कहा इनएक्टिव फेज है कैसा स्टेज इनएक्टिव है बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है मेटाबॉलिकली एक्टिव है हाँ जी एग्जिट कहाँ से हो रहा है फटाफट से लिखवा दो मुझे एग्जिट कहाँ से लिखूँ सेल साइकिल से नहीं एग्जिट इज ओनली फ्रॉम जी वन नॉट फ्रॉम सेल साइकिल सेल एग्जिट फ्रॉम जी वन नॉट फ्रॉम सेल साइकिल इट कैन बी कॉल्ड ऑन कैन बी कॉल्ड ऑन टू डिवाइड फर्दर आप इसको दोबारा डिवाइड करने के लिए वापस बुला सकते हो कभी भी वापस बुला सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल बताया मेरिस्टमैटिक सेल ये डिवाइड करते रहते हैं लेकिन इसके कुछ सेल डिफरेंट हो जाते हैं होके डिसाइड करते हैं कि हमें डिवाइड नहीं करना यानी कि वो बन जाता है ये फिर किस फेज में बैठा है जी, में बैठा है कभी तो भी लेकिन पैरन कायमा अब आप जानते हैं डायकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ में ये पैरन क्या कर जाएगा डी डिफ्रेंशिएट करके वापस आ जाएगा सेल साइकिल में वापस आ जाएगा तो क्या बना देगा सेकेंडरी मेरिस्टम बना देगा है ना यानी कि जी नॉट से सेल फिर वापस आ गया में, फिर एस में आएगा फिर जी टू में जाएगा फिर एम में जाएगा फिर वो डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा ठीक है अब दो लाइनें मुझे आपको एनसीईआरटी से पढ़ानी है आ जाओ लाइव एनसीईआरटी दो लाइनें बेटा ये मैंने सब बता दिया ये बता दिया बता दिया हाँ ये पैराग्राफ बेटा यहाँ से फोकस करें

कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि हैपेलॉयड हैं जो कि माइटोसिस शो करते हैं एनिमल्स में कौन से मेल हनी भी तुमको पता ही है यार मेल हनी भी कौन है ठीक है ड्रोन्स। जी ड्रोन कैसे बनते हैं पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं ड्रोन डायरेक्टली एग से बन जाते हैं उसको स्पर्म चाहिए नहीं होता है तो ड्रोन बेसिकली हैपोलॉयड है अब ड्रोन ने आगे मल्टीप्लाई करना है तो वो हैपोलॉइड सेल में माइटोसिस होगी है ना जी सेल में होगी अब आ जाइए प्लांट सेल में अब आ जाइए प्लांट में अगेंस्ट दिस

Aploid, जैसे कि पूछ रहा है हमसे मैं बताती ब्रायो इसमें डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, और में, किस में होती है? में. है ना गैमेटोफाइट तो माइटोसिस में हो जाएगी सेल में जबकि डिप्लॉइड वाली बात करें तो बचे हुए तीन टेरिडो जिम्नो एंड एंजियो यहाँ डोमिनेंट स्टेज कौन सी है स्पोरोट स्पोरो बॉडीज

समझ नहीं लर्न भी हो गया होगा मेरा मेरा बेटा यहाँ आने का परपज ये नहीं है कि मैं समझा के निकल जाऊं मेरा यहां आने का परपज यह है कि मैं एक लाइन को दो बारी बोलूं जो इंपॉर्टेंट है उसको दस बारी बोलूं ताकि ये क्लास तुम्हारी एक ऐसी क्लास हो जिसमें तुम समझ तो रहे हो लेकिन तुम लर्न भी करके जा रहे हो मतलब ये ऐसी क्लास है जिसमें क्लास के बाद आपको पंद्रह मिनट से ज्यादा नोट्स और एनसीआरटी रीड करने को नहीं देने हैं पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए अगर आपने क्लास का डेढ़ घंटा नहीं रखती because I believe अच्छे से याद करने की इतनी बाकी बेटा आपको जैसे अच्छा लगता है आप दो लेक्चर इकट्ठे भी देख सकते हो एक अकेला भी देख सकते हो ठीक है चलो बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट वाइल टीचिंग मैं सिर्फ पढ़ा के नहीं जाती हूँ मैं

रो पार्ट है आपके एम फेज का किसका पार्ट है एम फेस का तुम भी तो यही कह रहे हो जल्दी पेपर हो जाए यार अंदर से तो आता ही फीलिंग है ना बेटा अंदर से तो ये फीलिंग आता ही है कि यार क्या हो फटाफट से पेपर निपटे और हम फ्री हो जाए वट एवर इट इज जस्ट इट शुड कम इन फ्रंट ऑफ अस चलिए तो एम फेज जब शादी होती है या जब एग्जाम होता है सबसे ज़्यादा ड्रामा हो सबसे ज़्यादा ड्रामा शादी है फूफा जी आ गए हैं है ना बुआ जी आ गई हैं मामा जी आ गए हैं सब कह रहे हैं फूफा जी कह रहे हैं मेरे को किसी ने पूछा नहीं फिर वो एक और बंदा कह रहा है मेरे पकौड़े अच्छे से नहीं बने थे मेरे को किसी ने पूरी नहीं दी मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ चाय वाला आदमी नहीं आया जो कॉफ़ी दी थी वो भी ठंडी दी थी मुझे नहीं पसंद आ रहा ड्रामा हो रहा है हर जगह ड्रामा दूल्हे की सालियाँ कह रही हैं कि भाई जूता चुराई के लिए लड़कियां में अलाउ नहीं कर रहे हैं लड़का जूता पहन के नहीं आया मैं जूता किसका चुराऊ है ना तो द एम देश द शादी फेज इट इज द मोस्ट ड्रामा वाला phase. तो इसको बोला जाता है इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक ये कैसा फेज है सबसे ज्यादा ड्रामा यही होगा है ना आधा ड्रामा सालियों ने किया हुआ है हमें रिबन नहीं काटने दिया लड़कों ने स्प्रे डाल दी है ना हमें जूता नहीं चुराने दिया लड़के ने पैसे ही नहीं दिए ये क्या हुआ रिबन काटने के कम से कम बीस हजार रुपये होते हैं ये बीस रुपए दे के निकल गए ना ना सबसे ज्यादा ड्रामा आधी लड़कियां रो रही हैं फूफा जी उधर नाक चढ़ा के बैठे हैं लड़की कह रही है मेरी फोटो अच्छी नहीं आई है लाइट चली गई है फिर सोने पर सुहागा बेटा बारिश आ गई है शादी बाहर करनी थी बारिश बाहर आ गई है वट टू डू मोस्ट ड्रामेटिक फेज ठीक है तो एम फेज जो है ये पूरा का पूरा मोस्ट ड्रामेटिक फेज है दूसरा यही एक फेज ऐसा है जब मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती हैं क्या होती हैं

अब, जो हम डिवीजन यहां पर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं माइटोसिस आज का जो हमारा टास्क है वो कौन सा है माइटोसिस का टास्क है माइटोसिस में हम लोग देखेंगे जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम मेरे आ, पेरेंट सेल में प्रेजेंट है फॉर पेरेंट सेल सेल में मेरे पास ह्यूमन का है तो भाई जब मैं इसको माइटोसिस से डिवाइड करूंगी एक सेल से दो सेल बनेंगे ऑलमोस्ट बराबर साइज के बनेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा टू एन इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स इसके अंदर भी क्या होगा डिप्लॉयड नंबर कितना होगा फोर्टी सिक्स यानी कि जब भी हम माइटोसिस यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे हम बिल्कुल बराबर में डिवाइड करेंगे यानी कि इस डिविजन को मैं क्या बोल दूंगी इक्वेशनल डिविजन बोल दूंगी. क्या बोल बोल क्या बेटा जी क्यों मुझे जरूरत है ऐसे कौन सी चीज है जो मैं ऐसे माइटोसिस से कराती हूँ अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं वाई डू वी रिक्वायर माइटोसिस मान लो बेटा जी मुझे चोट लग जाए चोट लगने के बाद मेरे स्किन के सेल खराब हो जाए तो जब नए स्किन के सेल आएंगे तो ऑब्वियसली आई विल वांट कि जैसे पहले थे 46 वाले 46 वाले नए आए कोई नहीं चाहेगा कि 92 वाला आ जाए, या 23 वाला आ जाए, तो जब भी बॉडी में कोई रिपेयर हो रहा होता है ग्रोथ तो हो हमेशा होती है तो अब बेटा जी शुरू करते हैं अपना एम फेज एम फेज में तुमको पता है चार चीजें आएंगी पी एम ए टी रेडी फॉर पी मैट रेडी बेटा जी फॉर पी मैट सबसे पहला फेज स्टार्ट करते हैं दैट इज सबसे पहला फेज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोफेस रेडी फॉर दिस हाँ जी प्रोफेज को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी फर्स्ट वन इज अर्ली प्रोफेस देन वी हैव लेट प्रोफेज अर्ली प्रोफेस एंड देन वी हैव लेट प्रोफेज बहुत ध्यान से सुनना है बेसिकली मैं यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रही हूँ ठीक है न्यूक्लियस को डबल तो हमने कर ही लिया मतलब डीएनए मटेरियल को एक तरीके से डबल कर लिए दो किलो का डीएनए था चार किलो का कर लिए अभी अभी भी बराबर बराबर ठीक है जी क्रोमोजो तो देखते हैं ये न्यूक्लियर मटेरियल कैसे डिवाइड होगा अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है सबसे पहली चीज कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो रही है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन बेटा डीएनए आपका इतना लंबा था धागेदार डीएनए था दो मीटर का अब ये दो मीटर का ना कॉल होना शुरू होगा स्टोन के ऊपर लिपटे मारेगा ये जब लिपटे मारेगा तो यहाँ से क्या बनेंगे क्रोमोसोम्स तो अर्ली प्रोफेस में द देशन स्टार्ट कॉन्डेंट ही हुई है ठीक है जब प्रोफेस स्टार्ट होता है ना तो इट्स बिगिनिंग इज मार्क्ड बाय द मार्क्शन ओनली ठीक है अभी भी लेकिन प्रॉपरली क्रोमोसोम बने नहीं है सिचुएशन कैसी है सिचुएशन कुछ ऐसी है ये मेरा न्यूक्लियस है ये मेरा बीच में आ, ये मेरा सेल था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड ये मेरे डीएनए है ये देखो ये मेरा डीएनए है ये देखिए क्या अभी प्रॉपरली क्रोमोसोम बने? नहीं बना ठीक है एंड्स ऑफ क्रोमोजोम नॉट डिस्टिंक्ट टच कर रहे हैं ना मेम्ब्रेन को एंड्स ऑफ क्रोमोजोम नॉट डिस्टिंक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कहीं जाकर मर्ज हो जा रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसा लगता है कि यार ये ना कोई ऊन का गोला है इतने सारे डीएनए और वो एंड तक जा रहे हैं कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा कंडेंसेशन चालू तो हुई है बट पूरी नहीं हुई है दिस स्टेज जहां पर उन के गोले की तरह दिखाई दे इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्पाइरीम स्टेज क्या बोलते हैं इसको स्पाइरीम स्टेज यस yes, मेरे बच्चों यस yes. ठीक है स्पाइरीम स्टेज अब मेरे पास आपको याद होगा एस फेज में हमने सेंट्रिओल को डुप्लीकेट कर लिया था ध्यान दो एस फेज में मैंने सेंट्रिओल को डुप्लीकेट कर लिया था ये जो सेंट्रियोल है ना ये कोनों पर जाना ऑपोजिट पोल्स पर जाना शुरू कर देंगे ये जो सेंट्रियोल है ये देखो ऑपोजिट पोल्स पर जाना शुरू कर दिया एक यहाँ और एक यहाँ आ गया ठीक है जी यहां से धीरे धीरे कुछ किरणें निकलनी शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी इन किरणों को हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज क्या बोलते हैं एस्ट्रल रेज स्पिंडल फाइबर्स निकलने जस्ट चालू हुए बहुत हल्का हल्का यानी कि इस टाइम पर मुझे दिख रहा है सेंट्रोसोम

दो एस्टर होते हैं बेटा एक सेल के पास दो एस्टर होते हैं तो एम्फी एस्ट्रल हो गया इस दो एस्टर को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक इसी को क्या बोला जाता है माइटोटिक ये तो बात है बेटा जी एनिमल सेल की एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है प्लांट के पास तो प्लांट डज नॉट है तो फिलामेंट्स ऐसे ही निकलते रहते हैं एक जस्ट सब पॉइंट होता है दैट इज एन प्लांट सेल में एन एस्ट्रो यहाँ पे एम्फी एस्ट्रो दो निकल रहे हैं एक ऊपर एक नीचे चलिए एनीवे anyway, ये बात होगी मेरे प्रोफेज के अर्ली पार्ट की अब लेट प्रोफेज में क्या होगा लेट प्रोफेज में धीरे धीरे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब होने लगेगी प्रॉपर्ली सेंट्रियोल पोल्स पे आके स्पिंडल फाइबर फैलाने लगेगा तो सेंट्रियोल यानी कि जो मेरा एस्टर है इट विल रीच पोल्स स्पिंडल फाइबर बन जाएगा मैं भी फोटो भी दिखाऊंगी एनसीआरटी से डोंट वरी स्पिंडल फाइबर बन गया ठीक है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेंब्रेन न्यूक्लियस ईआर गोल्जी सब गायब डिस गायब कर दो आप सेल में तुमको सिर्फ यही दिखाई देंगे एंड क्रोमोजोम कंडेंस्ड प्रॉपर कंडेंस्ड हो गए यानी कि सिचुएशन कैसी है सिचुएशन ऐसी है ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब कर दो और ये जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे कंडेंस हो गए दो धागे वाले बनाऊं या एक धागे वाले दो धागे वाले क्रोमोसोम बनाऊं बेटा या एक धागे वाले बनाऊं बताओ यस बताएं दो धागे वाले बनाऊं या एक धागे वाले दो धागे वाले ना एस फेज करके आए हम। एस फेज से पहले वो एक धागे वाले थे अब वो दो धागे वाले हो चुके हैं है ना जी यस दो धागे वाले चलिए हो गया

सिंपली मुझे बनाने हैं क्रोमोजोम्स दो धागे वाले जितने भी क्रोमोजोम आ गए इस मिडल वाले प्लेट को हम लोग बोलते हैं मेटाफि प्लेट तो एक तो ये काम हुआ मिडल में लग गए दूसरा पूरे के पूरे कंडेंस हो चुके हैं पूरे के पूरे कंडेंस और यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पहुंच कर पहुंच चुके हैं काइनेटोकोर्स तक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के काइनेटोकोर होता है यहां पर स्पिंडल फाइबर्स पहुंच चुके हैं तो क्या क्या हुआ yes. यहां पर क्या क्या हुआ स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर बेटा जी क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जाकर जुड़ चुके हैं जो सेल्स हैं सेल्स हैं बेटा जी दे आर अरेंज्ड इन दिडल अरेज एट इक्विटोरियल इसको बोलते हैं इक्विटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट क्या दिक्कत हो गई क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे बच्चों को है कौन है ये अरे यार ये बच्चा यहाँ भी आ गया बेटा इसके लिए गाना गा दो तू मेरा हीरो ओ ओ, 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 ओ। नहीं में बेटा मतलब बेटा ब्लॉक कर दो इसे तो करवा दी है तुम भी ब्लॉक कर दो मुझे दिखना बंद हो गया ये। अच्छा एक बात बताओ यार तुमने सेशन को लाइक क्यों नहीं किया इतनी देर से इतना बढ़िया सेशन चल रहा है सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको इस क्लास में होती है आप इस क्लास में समझते नहीं साथ साथ लर्न भी करके जाते हैं सेशन लाइक क्यों नहीं किया है ना लाइक कर दो फटाफट से जब तक इसको ब्लॉक कर रहे हो सेशन को लाइक करके अटेंडेंस लगा दो <coughs> फास्टली क्या नाम था इसका हीरो बेटा हीरो आप किसके हीरो हैं मुझे नहीं लगता जिसको बुला रहे हैं उसके हीरो हैं क्योंकि अगर एक लड़की के माइंड में उसकी जिंदगी में आपको हीरो बनना है ना तो हीरो जैसा हरकत करना होता है Face, name, कि भीड़ को क्या लेना देना आपकी हीरो नॉट है? हैं तो सामने से फेस करिए पीछे से आके मत बोला करो मैंने उस दिन भी सिखाया था तुम्हें लेकिन तुम सीखे नहीं बट कोई बात नहीं मैं बस एक रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ तुम नीट का फॉर्म जरूर भर देना क्योंकि तुम फॉर्म भरोगे तभी तो जनता 24 लाख पहुंचेगी जनता 24 लाख पहुंचेगी तभी तो यार एक मजा आएगा और फेलियर रेट भी तो होना चाहिए क्योंकि सीट्स 1 ,00 ,00 तो 1 लाख ही हैं तो आई रियली वांट कि आप 23 लाख में जाएं है ना फॉर्म तो जरूर भर देना ओके okay जी चलिए जी हाँ जी तो सेल को मेटाफेसिक प्लेट पे लगा दो इक्वेटोरियल प्लेट पे लगा दो एम फॉर मेटाफेज एम फॉर मिडल में आ गए ठीक है अब अगर ह्यूमन है ये ह्यूमन का सेल होता तो यहाँ पर

तो स्पिंडल फाइबर बताइए नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर आपके पास हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज 46 2 46 टू कितना होता है 92 इतना सबको क्लियर हो जाएगा 92 ठीक है जी अब एम फेज एक ऐसा फेज है जो कि बेस्ट माना जाता है टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ अ क्रोमोसोम एम फॉर मेटाफेज एम फॉर मॉर्फोलॉजी सो इस स्टेज पर क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए मॉर्फोलॉजी देखने के लिए आप एम फेज का ही सहारा लेंगे बिकॉज क्रोमोजोम फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं यहाँ ठीक है कंडेंस्ड होते हैं ठीक तो ये बात हो गई एम फेज की अब आते हैं एना ए फॉर एना ए फॉर अलग हो जाओ ठीक है अलग करना है अब ये जो दो तो धागे आपस में जुड़े हुए थे इन धागों को मुझे क्या करना है अलग मोह मोह के धागे एनाफेज में आके बिछड़े चलो बिछड़ दो इनको बिछड़ दो चलिए मोह मोह के धागे थे हमारे एनाफेज में आकर बिछड़ गए कौन इनको खींच रहा है कौन खींच रहा है ये मेरे स्पिंडल फाइबर खींच रहे हैं किसकी तरफ खींचेंगे पोल्स की तरफ दिस विल बी द डायरेक्शन दिस विल बी द डायरेक्शन तो इस तरीके से बेटा क्रोमोसोम खींचा चला आएगा पोल्स की तरफ यानी कि यहां से मेरे निकले थे स्पिंडल फाइबर्स इसने काइनेटोकोर को खींचा जिससे क्रोमोसोम टूटा पहले 46 क्रोमोसोम दो धागे वाले थे अब 46 46 ऊपर 46 नीचे 46 हो जाएंगे सिंगल धागे वाले यानी कि द सिचुएशन विल बी लाइक दिस हाँ जी अब बताओ कितने क्रोमोजोम यहाँ पर तुम्हारे पास कितने क्रोमोजोम थे टोटल फोर्टी चाहे दो धागे के थे यहाँ पर मैंने इन्हीं फोर्टी सिक्स को तोड़ दिया सिंगल धागे का आएगा तो क्रोमोजोम यानी कि फोर्टी सिक्स मेरे पास ऊपर चले गए फोर्टी सिक्स मतलब फॉर वेरी टेम्पर स्टेज ऑफ टाइम टोटल नाइनटी टू क्रोम है ना नाइनटी टू हो गया ना याद रखना इस चीज को भूलना नहीं भूलना नहीं यानी कि यानी कि यहां पर क्या हुआ स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर मेरा स्प्लिट हो गया क्रोमैटिड्स क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल ठीक है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या सिचुएशन ऐसी है मूव करते वक्त या फिर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है मूव करते वक्त बताओ कैसी सिचुएशन है सिचुएशन ए है या फिर सिचुएशन बी है लाइन ऑफ एनसीआर बच्चों लाइन ऑफ कैसे जा रहे हैं पीछे की तरफ कौन जा रहा है क्या सेंट्रोमियर के पीछे ये लगे हुए हैं या फिर पहले क्रोम जा रहा है फिर सेंट्रोमियर जा रहा है यस yes. लीड कौन कर रहा है हु इज लीडिंग इज द सेंट्रोमियर लीडिंग उसको लेकर जा रहा है और सेंट्रोमियर बेचारा पीछे रह रहा है सिचुएशन है, यानी कि एनसीईआरटी बहुत ब्यूटीफुली पर एक लाइन लाइन लिखती है, उस को मैं करना चाहूंगी हाईलाइट करना चाहूंगी फिर मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी yes. हां जी, ये इक्वेटोरियल प्लेट सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम डायरेक्टेड द लीडिंग एज एंड ऑफ क्रोमोजोम आर्म्स पीछे पीछे हैं, ठीक है तो अगर सिचुएशन ये है तो ठीक है अगर सिचुएशन ये है तो गलत है Centromere पहले जा रहा है, उसके पीछे लटकी हुई है वो जा रही है तो इस लाइन पर बहुत ध्यान से देखना ये उल्टा ना लिख दे तुम्हें स्टेटमेंट बेस में उल्टा लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है क्रोमेटेड सेपरेट हो गए सेंट्रोमियर लीड कर रहा है सेंट्रोमियर लीडिंग होगा क्या अगर तुम्हारे पास अभी टोटल में फोर सी नंबर ऑफ फोर सी अमाउंट ऑफ डीएनए था चार किलो डीएनए था तो दो किलो बेटा जी इधर बैठ गया दो किलो इधर बैठ गया ठीक है और मैं बोल रही हूँ अगर तुम्हारे पास इस सिचुएशन में 46 क्रोमोसोम थे दो धागे वाले तो अब यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम हो गए हैं यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम हो गए हैं ठीक है जी तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम हो गए हैं वन क्रोमेटेड वाला एंड इस साइड भी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम हो चुके हैं वन क्रोमेटेड वाले बस ये एनाफेस ये कर दिया एनाफेस एनाफेस के बाद बेटा जी टीलोफेस टीलोफेस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेस प्रोफेस का बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है ठीक है यहाँ क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी प्रोफेस में जो जो गायब हुआ है वापस आ जाओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अपनी आइडेंटिटी फिर से भूल जाएंगे, हो ना? आई। तो गए जाएगी एक दो हम लोग स्टार्ट कहां से हुए थे इंटरफेस के बारे में बात करो जी वन के बारे में बात करो जी वन सेल के पास सिंगल धागे वाले क्रोमोजोम थे 46. में हमने उसको डबल किया, फिर बेटा एनाफेज में अलग कर दिया तो हम जैसे शुरू हुए थे वैसे हम यहां पर पहुंच गए ठीक तो है विद वन तो फोर्टी सिक्स न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ठीक है अब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दो साइटोप्लाज्म डिवाइड करने को क्या बोलते हैं साइटोकाइनेसिस विभाजन करने हैं किसका कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस साइटो बेटा जी अलग तरीके से होती है एनिमल और प्लांट सेल में

तो इसको बेटा जी अंदर की तरफ तुम पिचका सकते हो ठीक है जी अंदर की तरफ पिचका सकते हो किसने पिचकाया कौन आया यहाँ पर तो बोलोगे माइक्रोफिलामेंट्स आए, कौन आया माइक्रोफिलामेंट्स ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धक्का दिया माइक्रोफिलामेंट पुल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ और यहाँ पर क्या बना ली यहां पर बना ली बेटा जी सेल फरो क्या बना लोगे सेल फरो याद करो सेल फरो कुछ लोग टंग का फरोख बनाते ना दट जेनेटिक थिंग मैं नहीं बना सकती हूँ तुम बना सकते हो टंग को ऐसे फरो में आम, ऐसे रोल कर लेना टंग यस बना सकते हो कुछ लोग बना सकते हैं अच्छा जब फरो बन जाएगा बाहर से लाकर अंदर खींचना बाहर से लाकर अंदर खींचना ऐसा कब होता है जब लेकिन जैसी बेल बजती थी वापस आने के नाम पे बेटा सबको बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि यू मस्ट बी हैविंग फन विद टू कम बैक टू क्लास तो मैडम क्या करती थी मैडम सबको पीट पीट के अंदर लेके आती थी अंदर लेके आ रही है ये देखो पीट पीट के अंदर ला रही है तो फरों में पीट पीट के अंदर लाया जाता है तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कैसा मूवमेंट सेंट्री पिटल मूवमेंट पिटल से पता चला पीट पीट के मैडम सबको ब्रेक के बाद क्लास के अंदर लेकर आती है ठीक है जी दो चीजें आपको याद रखनी है एनिमल सेल में सबसे पहले फरो बनती है माइक्रोफिलामेंट अंदर की तरफ खींचते हैं ये ग्रोथ कैसी है आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है सेंट्रिपिटल ग्रोथ है लेकिन अगर बात करें पिटाई होगी ना पिटाई होके आते हो ठीक है पिटाई होके आते हो लेकिन अगर बात करें प्लांट सेल की प्लांट सेल तो भैया नॉट लाइन बाय ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के बाहर ऐसा बड़ा रिजिट सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल तो इसमें तो पिटाई करके भी अंदर नहीं ला सकते ठीक है पिटाई नहीं हो सकती यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है लेकिन बाहर है मेरा सेल वॉल तो फरो तो नहीं बन सकती तो यहां पर स्टार्टिंग हम यहाँ से इधर से ऐसे नहीं कर सकते स्टार्टिंग हम करेंगे सेंटर से सेंटर में बेटा जी गोलजी का ना एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमो प्लास्ट तो इन सेंटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिविजन देयर इज फ्रैगमो प्लास्ट ये बेटा जी गोल्जीआर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो फिलामेंट नहीं है माइक्रोटिब्यूल है ठीक है जी इसका कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट क्या बोलते हैं सेल प्लेट तो एंड प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है सेल प्लेट बना अब ये सेल प्लेट इस दिशा में ग्रो करेगा आउटवर्डली इसमें और इस दिशा में ग्रोस आउटवर्डली बाहर की तरफ ग्रो करेगा और जब बाहर की तरफ ग्रोथ होती है इस ग्रोथ को बेटा जी फिजिक्स में आप पढ़े हैं सेंट्री फ्यूगल ग्रोथ बोलेंगे क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल ठीक है ये मैंने बताया तुम्हें एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस ये मैंने तुम्हें बताया प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में फरो अंदर की तरफ ठीक है पीठ के बाहर से लाएंगे सेंट्रीपिटल प्लांट सेल में सेंटर से बाहर जाएंगे दीवार पहले सेंटर में खड़ी करेंगे और फिर उसे बाहर तक लेके जाएंगे दैट इज सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूगल एंड माइक्रो ट्यूबुल

न्यूक्लियर डिजन इफ देर इज फेलियर ऑफ साइटोकाइनसिस विफलता हो गई है सफल नहीं हुआ है काम इट विल लीड टू मल्टी न्यूक्लिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसीम क्या बोलोगे इसको syncycium. इसको हम प्री न्यूक्लियर डिविजन भी बोलते हैं कहा पढ़ा है एस में पढ़ा है बेटा अभी एस आर एफ पी में अभी तुमने पढ़ा है कहा नारियल पानी नारियल पानी में जब एंडोस्पम बनता था तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता था है ना और जो उसकी मलाई है वो सेल्युलर एंडोस्पम था है ना तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमने कहां पर पढ़ा है लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट पार्ट ऑफ कोकोनट पी वाई क्यों रह चुका है दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम

सेल में होती है। एक्सेप्शन मैंने बता दिया। drones, में, में तो दोनों में हो क्यों क्योंकि बेटा इसी की वजह से हम लोग आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लिए बना पाते हैं अगर मेरी स्किन पे चोट आई है तो स्किन का ही सेल नया बनना चाहिए आइडेंटिकल सेल बनाने का तरीका क्या है माइटोसिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था स्पर्म और मिलके बनाते हैं Dygote की cleavage, हम एक से नहीं बने हम से बने और सब एक, जैसे है, एक जैसे है तो पड़ेगी. ठीक है? अपने लोग बड़े हुए, से बड़े हुए. तो ड्यू टू माइटोसिस ठीक है अब ये लाइन बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई डू रिमेंबर स्टार्टिंग में ये लाइन बताई सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग इसीलिए जरूरी है सेल को डिवाइड करना टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर स्टार्टेड विद डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक। यस और नो आपस में अगर बात करोगे तो मैं चली जाती हूँ ना फिर आपस में बातें कर लो मेरा क्या पॉइंट है यहां पर मैं सेशन ऑन करके चली जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं तुम्हें विंडो चाहिए ना बात करने के लिए कर चुप करिए बेटा चंदा ट्वेल्थ का अगर जेनेटिक्स करना है तब उससे पहले सेल डिविजन करना जरूरी है एक ट्रस्ट करिए अपने टीचर पर नीट में सिर्फ ट्वेल्थ नहीं आनी है नीट में इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों आनी है लेकिन ट्वेल्थ का उस चैप्टर को समझने के लिए ये करना जरूरी है अगर आपको बहुत जल्दी है कुछ पेपर वेपर है आपका तो प्लीज लिंक ट्री को फॉलो करिए मैंने लिंक ट्री किसके लिए बनवाया है बताइए वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स बेस्ट लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी ऑन यूट्यूब अरेन्ज सिक्वेंशियली प्रॉपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में विद पीडीएफ विद क्वेश्चन ट्री पर मिलते हैं गूगल पर डालना है सीट पाहुजा ट्री दैट सेट इससे बेटर बायोलॉजी की प्ले आपको कहीं नहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी जहां पर प्रॉपर हैंड रिटन फॉर्म में एनसीआर बेस्ड आपको डिटेल फॉर्म में भी कराया हुआ है क्रैश कोर्स फॉर्म में भी कराया हुआ है वन दे वन डे भी कराया हुआ है महामैराथॉन्स भी कराया हुआ है बेस्ट प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अब कोई बहाना नहीं है तुम्हारे पास कि मेरे 360 सौ या मेरे 340 क्यों नहीं नंबर आए मुझे मेरी कोचिंग में दो लाख रुपए देख भी क्यों समझ नहीं आया कोई बहाना नहीं है आपके पास सीट मैम का लिंक ट्री है और ये सबसे बड़ा अस्त्र है मुझे हर साल सबसे ज्यादा मैसेजेस मेरे लिंक ट्री की वजह से आते हैं कि मैम आपके लिंक ट्री की वजह से हमारे बायो में इतने नंबर आए क्योंकि कहीं भी तुमको ऐसी अमेजिंग प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी फ्रॉम वन सिंगल टीचर कई बार चैनल पे बहुत सारे टीचर होते हैं कोई ये करा रहा है कोई क्रैश कोर्स करा रहा है कोई ये करा रहा है आई एम द ओनली वन जिसने हर साल डिटेल्ड भी कराया है क्रैश कोर्स भी कराया है वन डे वन भी कराया है मैराथन भी कराया है और वो मैं इस साल भी कराऊंगी वो मैं अगले साल भी कराऊंगी आप प्लीज उस लिंकट्री का यूज करें यहाँ आके मत बोले ये करा दो वो करा दो यहाँ मैं एक सीरीज में ही चल सकती हूँ एक बच्चे को नहीं लेकर चल सकते ठीक है जी दूसरी चीज मैं क्या पूछ रही थी मैं पूछ रही थी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाजमिक रेशियो वाली ये लाइन स्टार्टिंग में समझा दी थी पल्ले पड़ी थी

एक बारी जरा फोटो देख लो एनसीआर की फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है शुरू करते हैं पी मैट से नहीं यहाँ से नहीं यहाँ से शुरू करते हैं हाँ पी मैट से प्रोफेस अर्ली प्रोफेस एंड्स ऑफ क्रोमोसोम नॉट डिस्टिंग धीरे धीरे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है बेटा फोटो से भी क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम दे देंगे बोलेंगे पहचानो कौन सा फेज है फिर मत कहना बताया नहीं अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही है लेट प्रोफेज में ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है लेट प्रोफेज में कंडेंस हो चुके हैं लेकिन दिखाई नहीं देते प्रॉपर कंडेंसेशन आपको दिखती है मेटाफेज मेटाफेज में metaphase में में बेटा जी एक लाइन लग जाते हैं अगर तुम यहाँ देखोगे तो स्पिंडल फाइबर यहां भी है और दो क्रोमोजोम के बीच में भी है ठीक है प्रॉपर नहीं बने हैं लेकिन मेटाफेज में आके देखोगे तो सारे क्रोमोजोम मिडल में एक लाइन में जिसको इक्विटोरियल प्लेट बोलेंगे एंड हर क्रोमोजोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर इस तरीके से जुड़े होंगे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज कॉल्ड एज एस्टर

जो मैंने दो धागे वाले क्रोमोजोम बनाए थे अब वो फिर से सिंगल धागे वाले हो चुके हैं बिल्कुल की की से नहीं होते हैं। हो जाता। सब उल्टाज का उल्टा कर दो ठीक है एंड दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस एक सेल से बन गए दो सेल अब बेटा जी आपको करना है यहाँ पर एक सवाल का जवाब जो मैं हमेशा पूछती हूँ आर यू रेडी फॉर दैट सवाल और नॉट ये मैंने करा दिया हाँ जी सिग्निफिकेंस की जगह मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ गेट रेडी आंसर इन द सेक्शन आफ्टर द सेशन कल होगा क्लास ऑलरेडी लग चुकी के पास, 46 है मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ दोबारा पूछ रही हूँ फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है और मान लीजिए डीएनए का जो कॉन्टेंट है वो है ट्वेंटी पीकोग्राम कितना है ट्वेंटी पिकोग्राम आपको निकालना है क्या क्या आपको निकालना है ये सारी चीजें आपको निकालना है यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ क्रोमैटेड एंड और नंबर ऑफ क्रोमोजोम नंबर ऑफ क्रोमैटेड एंड डीएनए कंटेंट हाँ जी क्या क्या निकालोगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम निकालोगे नंबर ऑफ निकालोगे निकालोगे एंड डीएनए कंटेंट कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा सब बच्चे अपना ट्राई करेंगे सब बच्चे अपना ट्राई करेंगे जैसे ही सेशन ओवर होगा बिल्कुल बिना चीट करे मतलब सेशन को बंद करके पहले ट्राई करोगे फिर मुझे यहाँ आंसर लिख के देकर जाओगे ठीक है किस किस फेज में निकालना है आपको एक तो निकालना है जी में फिर निकालना है एम में फिर निकालना है टीलो में टीलो में भी मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगी ये देखिए तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट इन ई देन इन मेटाफेज देन इन एक ये निकाल दो रुके हम्म 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 यस अगला आपको निकालना है टीलो फेज टीलो फेज में जैसे मैंने दो फेजेस बनाए हैं पहला पर सेल इसमें निकालोगे एक सेल में क्योंकि टीलो फेज में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं न, और पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऊपर लिखो सेल नीचे लिखो पर न्यूक्लियस एंड पर सेल पर न्यूक्लियस एंड पर सेल ठीक है ये सारा निकालना है ऊपर मैंने आपको बता दिया एक ह्यूमन का सेल आप स्टार्टिंग कर रहे हैं फोर्टी सिक्स से अब आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है अपने आप से ऑनेस्ट रहकर ये पूरा डब्बा भरेंगे तो आप ही का नुकसान होगा कल मैं इसका आपको इसी में और जो इसका मुझे देगा इस कॉमेंट बॉक्स में यानी कि आज का कॉमेंट बॉक्सर्स एक दूसरे का कॉपी नहीं होना चाहिए कॉपी हुआ तो बेटा आप ही का नुकसान है मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मुझे पता चलेगा बट नुकसान बेटा आपका है तो चीटिंग मत करें पेपर अकेले देना है हर आदमी एक अकेला है ना पेपर में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ना ये तुम्हारे मित्र गण जाएंगे ना यहाँ पर कमेंट करने वाला आदमी जाएगा सेशन बंद करना करना रिवाइज क्या तरीका है इसका जैसी क्लास खत्म होगी लैपटॉप नीचे यानी कि फोन बंद एन और ये लेके रिवाइज एक रफ पेज लेना रफ पेज पे थोड़ा सा बना लेना माइटोसिस को कि क्या 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 क्या, क्या हुआ रिवाइज कर लेना स्पेशली नंबर ऑफ क्रोमोजोम और अमाउंट ऑफ टी में उसको यहाँ पर आकर लिख देना फिर तुम सॉल्व करोगे हंड्रेड परसेंट है अगर तुम्हें समझ आया है तो कल हम इसका मियोसिस करेंगे आज का सेशन समझ आया है तो सेशन लाइक क्यों नहीं हुआ फटाफट से बताओ सेशन सेशन को को लाइक लाइक क्यों नहीं किया यार सेशन को करो एंड अभ्यास मॉक टेस्ट पर आप जानते हैं अभी भी ऑफर चल रहा है बहुत बच्चे ले चुके हैं कल पांच तारीख है कल मैं उसका पहला टारगेट देने वाली हूँ एंड आई रियली वांट हर बच्चे के पास वो चौबीस मॉक टेस्ट वाली बुक जरूर हो जाकर ले लेना उसे अमेजोन पे डालोगे सीपाह बुक तो मिल जाएगा सेकंड नंबर पे आए फिर वो बाद में महंगी हो जाएगी एंड आई रियली डोंट वांट दिस और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसमें आपको सप्लीमेंट्री बुक मिल रही है जिसमें सारा न्यू सिलेबस फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायो का विद क्वेश्चन uh, आपका थ्यूरी uh, है एंड चौबीस पेपर हैं ओ एम आर साथ में एंड बहुत मस्त तैयारी उससे होने वाली है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की है ना चलिए चलिएट so एंड नोट्स uh, मैं भी आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी क्लास में एनरोल कर लेना ये प्रैक्टिस क्लास है कल होगी प्रैक्टिस क्लास जो तो मिस करेगा उसको नहीं पता चलेगा ताकि हम मंडे से अपना जेनेटिक्स का आरंभ कर पाए और मंडे को एक बहुत बड़ी और अनाउंसमेंट है लेकिन उस अनाउंसमेंट में आपकी जो मदद है वो बेटा जी ऑफर करने वाला है ठीक है तो एक क्रैश कोर्स बहुत अमेजिंग शुरू होने वाला है ठीक है तो उसमें बेटा जी तब मुझे नहीं पता ऑफर आएगा या नहीं आएगा आज ऑफर चल रहा है तो अगर आप हमारी टीम से हमसे डिटेल में विद पेपर्स विद टेस्ट फोर्ट नाइटली टेस्ट मंथली टेस्ट मॉक टेस्ट सब करना चाहते हैं तो बेटा आज और कल आपके पास बहुत अच्छा डिस्काउंट है फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ चल रहा है अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की सब्सक्रिप्शन पर सिर्फ आपको कोड लगाना है लाइफ जिससे आप आने वाले चल रहे सारे कोर्सेज को अच्छे से देख पाएंगे लिंक इसका दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है जी सेशन अच्छा लगा तो लाइक करेंगे एक कमेंट जरूर करके जाएंगे कि समझ आया नहीं आया एंड आई वुल सी यू टुमारो थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर बाय बाय